नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेठी में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों की मीटिंग में बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सोते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अमेठी नगर पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों की बैठक बुलाई गई थी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सोते नजर आए। हमीरपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, जहां लक्ष्मीबाई तिराहे के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवा दिया है, जहां अवैध दुकानों को हटवाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। दरअसल अतिक्रमण मुक्त चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा, वहीं चौराहे पर बने ट्रैफिक पुलिस का सहायता केंद्र भी ध्वस्त किया गया है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगरिया में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अशोक कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते 26 अप्रैल को कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगरिया में नव विवाहिता कोमल की उसके ही परिजनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक परसों कोतवाली क्षेत्र में बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक नव विवाहिता लव मैरिज था, लेकिन कोमल नाम की महिला की नृशंस हत्या उसके परिवारिक जनों ने ही अनर्थ कर दिया था। तो उसी क्रम में हमारी पूरी सर्विलांस की टीम कोतवाली पुलिस मशीनरी लगी हुई थी। इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम देते समय काफ़ी नृशंस तरीके से उसकी हत्या की गई। उसके हस्बैंड को भी गोली मारी गई, वो भी जीवन संघर्ष कर रहा है। माँ को भी इन्होंने गोली मारा, बट तमंचे के पट से मारा। सहारनपुर में प्रशासन लाउडस्पीकर की आवाज़ कम कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं हिंदू योद्धा परिवार संगठन के कार्यकर्ता विशु कंबोज द्वारा धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने विशु कंबोज को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो संज्ञान में आया था कि एक हिंदू योद्धा परिवार संगठन का एक व्यक्ति विशु कंबोज उर्फ सेंकी, जो कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, वो ये बता रहा था कि उसके द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं, जबकि इसमें निर्देश है, कड़े निर्देश है शासन के, कि बिना अनुमति का कोई भी लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र कहीं भी न लगाया जाए। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में फर्जी कागजात तैयार कर फाइनेंस कंपनियों से ठगी करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सहित फाइनेंस कंपनियों के द्वारा फर्जी तरीके से खरीदा गया सामान भी बरामद किया है। सिविल लाइन्स के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि फाइनेंस पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेके उसकी किस्त नहीं चुकाई जा रही थी। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए इस पर तफ्तीश की गई, तो एक गैंग का खुलासा हुआ, जो कि फाइनेंस लेने के बहाने, फर्जी कार्ड और फर्जी आईडी के बहाने फाइनेंस लेके सामान लेके उसकी एक किस्त चुका के बाकी सामान इधर उधर बेचने का कार्य करता था। इसमें 5 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं, नरेंद्र निवासी बुलंदशहर, करण निवासी बुलंदशहर, विकास, अजय और हरिओम निवासी अलीगढ़, और इनके पास से एक एसी जो कि इन्होंने फाइनेंस पे लिया था, 2 प्रिंटर जिनसे ये नकली आईडी बनाते थे, 97 आधार कार्ड, 66 पैन कार्ड, 14 मेहर और एक गाड़ी जो इनके पास से बरामद हुई है। बुलंदशहर के बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया पर अधिवक्ता रेखा शर्मा ने 2 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है, जहाँ अधिवक्ता ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। महिला अधिवक्ता ने कहा कि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने 2 लाख रुपए एडीजीसी के पद पर नियुक्त कराने के लिए मांग की थी। भारतीय जनता के पदाधिकारी के इस कृत्य से आघात होकर भारतीय जनता पार्टी से हम और हमारी पूरी टीम इस्तीफा देगी, और जो रही अनिश सिसोदिया जी द्वारा मेरे एडीजीसी के मामले में 2 लाख रुपए की मुझसे मांग की गई थी, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का रोल है
और खुर्जा और बुलेंसर के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारी मीनाक्षी सिंह विधायिका हैं षड्यंत्र कर रहे हैं। आज हम कट ऑफ हो रहे हैं, कल को दुनिया और भी कार्यकर्ता कट ऑफ होंगे। इस मैसेज को मैं पूरी जनता तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉर्ड इंडिया।